50 में अगर आप ऑल आउट हो जाते हैं अपनी होम, मतलब है इससे ज्यादा रिडिकुलस फाइनल कुछ कहने के लायक नहीं रहे हैं श्रीलंका वाले। क्या इंडिया ने फेंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कम्प्रिहेंसिवली ये टूर्नामेंट जीता है और गुड जॉब सिराज। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह मारेंगे श्रीलंका को कि इतनी जल्दी से वीडियो गेम नहीं खत्म होते। हो गया, खत्म हो गया सर। नहीं, फाइनल हुआ है आज सर, यही तो क्लास से फाइनल हो गया आज और बहुत जबरदस्त विक्ट्री हुई है भारत की। उठ, मैंने कहा क्या हुआ, कहता भाई मैच खत्म हो गया। मैं कहा नहीं यार, कहता यकीन चन आधे घंटे में इंडिया टीम ने उनको शापर में डाल के पैक कर दिया। मैं ये हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्रिकेट के मुकाबले पे कुछ ना कहना ही हजार बातें कहने वाली बात बन जाती है। मतलब है इससे ज्यादा रिडिकुलस फाइनल कोई हो नहीं सकता है आजकल की डे एंड एज में, खासतौर पे जहां पे एक दूसरे की गेम का प्लेयर्स को आइडिया होता है, कंडीशंस का आइडिया होता है, फिर एक टीम घर में खेल रही है और घर में इस किस्म की मतलब है क्रिकेट से जो आपने ज्यादती की है, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा कि होम टीम को इस तरह से मार पड़ी हो। ये तो मैसिव मार है और इसका जो है वो अजाला क्या करेंगे वर्ल्ड कप से पहले, या इसके रीजंस क्या श्रीलंका दे सकता है 50 में अगर आप ऑल आउट हो जाते हैं अपनी होम टेरिटरी पे, होम टर्फ पे, और अपनी मर्जी का टॉस जीत के और डिसीजन भी अपनी मर्जी से करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ कहने के लायक नहीं रहे हैं श्रीलंका वाले और फैंस बिटरली डिसअपॉइंटेड होंगे। और इस मुकाबले पे जो तबसरा करना भी फजूल से बात लगती है, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मतलब मेरा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मुकाबला हो गया KG2 की टीम के साथ, इतना फर्क था दोनों में। और ये तो भारतीय बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी है और टीम के लिए, श्रीलंका के लिए जो 50 में आउट हो गई, और ग्रेट रेसिपी बनती है जो कि विनर रेसिपी है वो भारत के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी ODI परफॉर्मेंस बॉलिंग की बहुत देर के बाद देखने को मिली है। क्या इंडिया ने फेंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कम्प्रिहेंसिवली ये टूर्नामेंट जीता है। यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब और गुड जॉब सिराज, आपने मैच जिताया, बहुत कमाल बॉलिंग की। बट अगेन मैं ये कहता हूँ कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फेंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए, हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए अब ये वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। इनके इस समय अब मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट अ वरी फॉर पाकिस्तान, इट्स अ वरी फॉर मैनी अदर कंट्रीज, बिकॉज इंडिया हैज अनाउंस्ड हिज अराइवल इन टू द वर्ल्ड कप। बिकॉज कि ये जो विन थी, ये जिस तरह इन्होंने मारा है श्रीलंका को, जिस तरह इनकी बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया है, तो सारे खाने टिक हो जाते हैं इसमें। क्योंकि लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह मारेंगे श्रीलंका को कि 5-10 ओवर मैच खत्म कर देंगे। और यहाँ से आगे चलते हुए इंडिया कैन बी द मोस्ट डेंजरस साइड इन द वर्ल्ड कप। इसे सही मार मारी है कि उनके बॉलर मोहम्मद सिराज को तो मेरा सलूट है ना, सबसे पहले कि जिस तरह उसने बॉलिंग की है आज उनके छक्के छुड़ा दिए हैं। भाई मेरे भाई ने उठाया, उठ, मैंने कहा क्या हुआ, कहता भाई मैच खत्म हो गया। मैं कहा नहीं यार, कहता यकीन चन आधे घंटे में इंडिया टीम ने उनको शापर में डाल के पैक कर दिया। मैं ये जो है ना उम्मीदें लगा के बैठा था तकरीबन 270-280 के पास पास जाएगा श्रीलंका, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज जो मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग की है ना, वो मैं कहता हूँ लकी माएँ होती हैं जो ऐसे बच्चे पैदा करती हैं। हम तो हो गए बाहर, हमें तो एशिया कप से निकाला ही श्रीलंका ने, हम तो उसके हमें तो ये हम तो यही चाहते थे कि श्रीलंका हो बाहर, और बड़ा अच्छा हुआ है और बहुत अच्छी बॉलिंग की है। सिराज बाप निकला सबका यकीन, जाने ठोक दिया उन्होंने, इस ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था मैं यार। जीत हार एक पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन ये वाला जो सीन हो गया ना, हैट्स ऑफ इंडिया यार, क्या कर दिया आपने। हमें अपनी टीम से तो उम्मीदें नहीं है अब कि वो कुछ कर पाएंगी, तो इसीलिए हमने अपनी उम्मीदें भी इंडिया से ही जोड़ ली हैं कि कम से कम चलो हमारे हमसाए में तो पड़ा हो गया ना, हम ऊपर से जाती मार के देख सकते हैं कि कब पड़ा हुआ है महफूज है। क्या बॉलिंग थी यार, इतना इतना बॉल स्विंग, मेरी कसम से ये मेरा बाजू छोटा है यकीन जाने।